राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने ऐसे बहुत की चिंता करी जो पिछले 65-70 दिन से लॉकडाउन होने के कारण से उनके काम कारोबार बंद थे और जितने भी दुकान मालिक थे, शोरूम के लोग थे, उनमें कार्यरत जितने भी कर्मचारी काम कर रहे थे, श्रमिक काम कर रहे थे, उनके सामने स्थिति खाने पीने की बहुत बड़ी एक समस्या उत्पन्न हो गई थी। आज उन सब लोगों के लिए आगरा को खोलने का निर्णय किया है और बहुत ही अच्छा निर्णय है। 17 मार्च को मैंने मांग करी थी 12 मार्च को, और 17 मार्च को देश की सारी ऐतिहासिक इमारतों को बंद करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। अब चूँकि धीमे धीमे करके सब चीज़ें ओपन हो रही हैं, खुल रही हैं, ट्रेनों का आवागमन हुआ है, बसों भी चलने का हुआ है, फ्लाइट भी शुरुआत हो रही है, इंटरनेशनल फ्लाइट भी चालू होने की संभावना बन रही है और 30 जून को लॉकडाउन 30 जून तक का है। तो मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि धीमे धीमे करके इसकी भी समीक्षा कर ली जाए, गुरुदोष के आधार पर समीक्षा कर ली जाए कि जो ताजमहल सहित देश की जितनी भी इमारतें हैं जो बंद चल रही हैं उनको भी अगर खोला जाएगा तो बहुत सारे लोगों को रोजगार इसमें मिलेगा। जो बेरोजगारी की समस्या इससे जुड़े हुए लोगों की है वह दूर होगी, क्योंकि एक माहौल अब बदलाव की ओर जाना चाहिए और जब माहौल बदलेगा तो लोगों में काम कारोबार के लिए लोगों का आना जाना फिर शुरू हो ही जाएगा। और इंटरनेशनल फ्लाइट जब शुरू कर रहे हैं इंडिया अंतर्राज्यीय फ्लाइटों को अगर शुरू कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि देश की इमारतें जो बंद चल रही हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनको भी अब खोलने पर भारत सरकार को विचार करना चाहिए। राजस्व भी बढ़ेगा और उससे जो बहुत बड़ा रेवेन्यू भारत सरकार को मिलता है और वह भी रेवेन्यू मिलना शुरुआत हो जाएगी और धीमे धीमे करके एक नॉर्मल माहौल की तरफ भारत सरकार को जाना चाहिए, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही गंभीर है और वो इस दिशा में इस देश को ले जाना चाहते हैं। मैं विश्व के अंदर जितनी भी ये कोरोना महामारी के कारण से परेशानियाँ आई हैं, अगर मैं बात करूँ तो सबसे कम परेशानियों में होते हुए हमारा भारत देश निकला है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी इसके लिए साधुवाद उनको करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री को इसके लिए मैं साधुवाद करता हूँ।